आदित्यपुर में पिछले दिनों हुए बम कांड का 36 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए पुलिस ने इस कांड में लिप्त कुख्यात अपराधकर्मी मोती बिसोई और मंतोष महतो को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। गिरफ्त में आए अपराधकर्मी में कुख्यात मोती बिसोई और मंतोष महतो है। इस संबंध में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए SDPO संतोष मिश्रा ने बताया कि कांड को लेकर उनके नेतृत्व में गठित SIT में शामिल पुलिस अधिकारियों ने 36 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। SDPO ने बताया कि आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज और तकनीकी पड़ताल में उक्त अपराधकर्मियों की संलिप्तता पाई गई है। दोनों ने पूछताछ के क्रम में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। पुलिस ने 3 मोबाइल, घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरों के DVR और घटना को अंजाम देते समय अभियुक्तों द्वारा पहने हुए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल और ह्यूमन एविडेंसेस के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम मोतीलाल बिसोई और मंतोष माथुर है। इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही 3 मोबाइल, जो CCTV फुटेज वहां से प्राप्त हुआ है, उसके DVR और घटना के वक्त जो इन्होंने कपड़ा पहना था, उन सारे की बरामदगी की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कोल्हान केसरी की अध्यक्षता में जमशेदपुर उपायुक्त सभागार में विधि व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उड़ीसा राज्य के कुंजर, सुंदरगढ़, मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर के DM और SP भी बैठक में शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कोल्हान के आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं नक्सल गतिविधियों पर भी चुनाव के समय पर खास नज़र रहेगी। साथ ही तीनों राज्यों के अपराध कर्मियों पर भी विशेष नज़र रखी जाएगी। वहीं वारंटी अपराधियों को स्प्रिट ट्रायल चलाकर गिरफ्तार कर हवालात के पीछे भेजने का काम भी किया जाएगा। वहीं चुनाव के समय शराब और रुपयों का लाभ देकर मतदान करने वालों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव का डेट भी आ ही चुका है, तो चुनाव बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से हो जाए, इसके लिए हम लोग आपस में प्रदर्शन के लिए एक बैठक आयोजित किए हैं, जिसमें आप लोग उपस्थित हैं। एजेंडा आप लोग दिए हैं, उसमें देखा गया होगा, कुछ आपस में हम लोग बैठक में चर्चा करेंगे, जिसका जो भी इशू है आप लोग रखें, इशू के संवाद करने की कोशिश करेंगे। करेंट नक्सल सिनेरियो क्या है आपस में, बॉर्डर में, हमारे कमिश्नरी में। कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में संपन्न होने के पश्चात मतदाता जागरूकता रथ को जिला मुख्यालय परिसर से रवाना किया गया। इस दौरान कोल्हान रेंज के DIG समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वहीं गुब्बारा उड़ाकर अभियान की शुरुआत की गई, जिसके रथ को रवाना किया गया। ये रथ शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर तमाम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। 2024 लोकसभा निर्वाचन के संबंध में आज हम लोगों ने अंतर जिला अंतर्राज्यीय बैठक बुलाया, सभी आदर्शी अधीक्षक लोगों का, DIG साहब और मेरे लोग बैठक रखे हैं। बैठक बहुत ही फ्रूटफुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसमें हम लोग आपस में जो हम लोग का जो भी मतलब मुख्य बातें थी, जो चुनाव में जरूरत पड़ती है, उसको हम लोगों ने साझा किया एक दूसरे से, और जो भी सूचना का आदान प्रदान होगा उसके लिए हम एक नोडल पदाधिकारी हम लोग बनाए हैं, जो कि हर तरह की सूचना जो हम लोग एक दूसरे को बांट सके उसके लिए हम लोग ने उसको बनाया है। और इंटेलिजेंस अगर विषय ऐसी बात है तो आपस में शेयर करने के लिए हम लोगों ने उसको एक दूसरे से। 22 अप्रैल को बार एसोसिएशन का चुनाव होना था, तैयारियां भी हो चुकी थी पर कतिपय कारणों से स्थगित कर दी गई। अब एक बार फिर से 10 मई को चुनाव की नई तारीख का ऐलान किया गया है और एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव की घोषणा 10 मई को की गई है। चुनाव कमेटी द्वारा चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली गई है।
15 से 18 अप्रैल तक प्रत्याशियों के नॉमिनेशन किए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले 22 अप्रैल को चुनाव होना था, इसके स्थगित होने के बाद अब 10 मई को सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 10 मई को ही रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इलेक्शन होना था 20 अप्रैल को, लेकिन किसी कारणवश टल गया था। सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। मैं खुद उपाध्यक्ष पद पर खड़ा हूं और हम पूरे लोग जो प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव में दमखम से, और हम कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि पूरा फेयर इलेक्शन हो और अच्छे तरीके से चुनाव बार का संपन्न हो। प्रकृति का महापर्व सरहुल महापर्व बड़े ही उत्साह के साथ शहर में मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज की महिला पुरुष और बच्चे शामिल हुए। प्रकृति का महापर्व सरहुल पूरे उत्साह के साथ जमशेदपुर में मनाया जा रहा है। सवेरे से ही अपने कुल देवता की पूजा आरंभ हो गई, जिसे लेकर पुराना सीताराम डेरा में सरहुल केंद्रीय कमेटी के द्वारा आयोजित पूजन कार्यक्रम में समाज के काफ़ी संख्या में महिला पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के लोग शामिल हुए, जिसमें ढोल नगाड़ों के अलावा डीजे की धुन पर अपने पारंपरिक नृत्य करते निकली हुआ शोभा यात्रा सीताराम डेरा से आरंभ होकर एग्रीको भालूबाजा साक्षी गोलमुरी होते हुए पुनः सीताराम डेरा में संपन्न हुई। शोभा यात्रा की भव्यता ऐसी थी कि एक छोर भालूबाजा में तो दूसरा छोर एग्रीको में था। हम लोग सरहुल इसलिए मनाते हैं कि सरहुल पेड़ के नीचे ही हमें हमारे आत्मा और विद्युत दी, इसीलिए हम लोग सरहुल का ही पूजा करते हैं। उधर चाईबासा में भी सरहुल महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि हरियाली अच्छी फसल व वैश्विक महामारी से बचाव के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि ये परंपरा पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। इस परंपरा को उत्सव रूप में मनाकर नई पीढ़ी के लोगों को सरहुल और पर्यावरण का महत्व बताना है। आदिवासी समुदाय के लोगों का प्रकृति से प्रेम व अटूट रिश्ता होने के कारण ही पर्यावरण व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखा गया है। हम सभी को वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये पर्व हमें प्रकृति व संस्कृति में जोड़े रखती है। मारवाड़ी सम्मेलन साक्षी शाखा द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन मानगौर स्वर्ण रेखा नदी घाट में किया गया, जहां महिलाओं ने सामूहिक गणगौर विसर्जन किया। गणगौर पर्व मारवाड़ी समाज का प्रमुख त्यौहार है। गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को होती है। इस दिन कुंवारी कन्या और सुहागी महिलाएं व्रत रखती हैं, माता पार्वती और साथ भगवान शिव की पूजा करती है। गणगौर दो शब्दों से बना है, गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ पार्वती है। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्यौहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। आप सभी को नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज हम सब जमशेदपुर मानगो क्षेत्र में गंगोर बना रहे हैं, और आज गंगोर में आज हम आए हैं, गंगोर का लास्ट डे है। तो गंगोर ईसा और गौर मतलब पार्वती और शंकर जी का आज हम पूरे 16 दिन तक पूजा करते हैं। जिस तरह पार्वती जी ने बहुत प्रार्थना करके शिव जी को पाया था, उसी प्रकार सारी लड़कियां जो है, जो शादीशुदा नहीं कुंवारी लड़कियां, गंगोर माता की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि हमें भोलेनाथ जैसे इतने परम पुरुष जो है, भोलेनाथ के समान हमें एक प्राप्त हो। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों का लोग लुफ्त उठा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ लोक पर्व जुड़ी शीतल भी मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम बिष्टपुर स्थित लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों में दाल पूरी, आम की चटनी, दही वड़ा, करी बड़ी, जलेबी, दाल भात, दही आदि की भरपूर व्यवस्था की जाएगी।
इस विशिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन शहर के मैथिली भाषी एवं आमंत्रित अतिथि कर सकते हैं। इसमें मिट्टी का तिलक भी लगाए जाएंगे। इसके लिए एक समारोह में मिथिला दिवस एवं मिथिला में नारी सशक्तिकरण का परिचय मैथिली परिषद जमशेदपुर इकाई द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाएगा। इसके साथ उस दिन मिथिला का प्रमुख लोक पर्व जूड़ शीतल, जो मिथिला के पर्यावरण से संदर्भित है, इसको सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। और इस जो पर्व शहर में आकर के लोग भूलने लगे हैं वह नहीं भूलें और उसके परंपरा को उसमें निहित वैज्ञानिक जो सोच है वो लोगों के बीच बताया जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।